आप देख रहे न्यूज इट की। न्यूज इट की में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। आईटीबीपी के शहीद जवान प्रकाश गोप का इटकी साहेब मोड़ में स्थापित स्मारक और प्रतिमा का शनिवार को पूर्व मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और शहीद की पत्नी बेबी देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अनावरण किया। अनंत नारायण दत्ता सेनानी 40वीं बटालियन आईटीबीपी सुकरहुट्टू रांची के कुशल निर्देशन पर इटकी साहेब मोड़ में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के निजी कोष से शहीद प्रकाश गोप के स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आईटीबीपी के जवानों ने सैनिक सम्मान के साथ शहीद प्रकाश गोप को सलामी दी। उल्लेखनीय है कि शहीद प्रकाश गोप भारत चीन की सरहद चाकुंग बेस पर देश की रक्षा करते हुए 19 अगस्त 2023 को शहीद हो गए थे। इस मौके पर आयोजित सभा में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने शहीद प्रकाश गोप के परिजनों को जीविकापार्जन के लिए सामूहिक प्रयास से सरकार और सेना मुख्यालय से आर्थिक लाभ दिलाने की बात कही। जबकि झारखंड प्रदेश के पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन और कारगिल योद्धा HN यादव ने सरकार से शहीद के दो बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क कराने की मांग की है। देखिए आदरणीय प्रकाश गोप अब स्वर्गीय हो चुके, माँ भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। अब जो सवाल है, अब जो समाधान है वो ये है कि शहीद का बच्चा ऑक्सफोर्ड स्कूल रांची में पढ़ता है, तो मैं आपके माध्यम से स्कूल से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आप कम से कम उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराइए। ये स्कूल अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले और देश के प्रति शहादत देने वाले के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करें अप टू 12 क्लास तक कम से कम। अभी परिवार मुसीबत में है, मुश्किल में है और सबसे ज़रूरी उनका शिक्षा है। तो मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के निदेशक से, जो भी मैनेजमेंट है, मैं उनके से अपील करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप इनका शिक्षा जारी रखिए, क्योंकि पेंशन के पैसे में जीवन यापन और शिक्षा, बेहतर शिक्षा दोनों नहीं हो पाएगा। मैं इसकी पुरजोर मांग करता हूं और आपसे इसका समाधान चाहता हूं। मैं चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हूं और इस शहीद के प्रतिमा के अनावरण के संबंध में अपनी उपस्थिति लगाया हूँ और आप लोग से चाहता हूँ।